इसमें जो है हमें ये नेशनल लेवल का है, इसमें हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगी बाज़ाब्ता, और ये 1 वीक का है। फर्स्ट वीक में हमें सर आए थे यहाँ पे, क्लस्टर के सर आए थे, उनके डीन आए थे, एंड उन्होंने हमें बहुत सारा एजुकेट किया, एनालाइज किया कि क्या क्या हम स्टेप्स ले रहे हैं रिलेटेड टू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। फिर फर्दर हमें जब हमारे सेकेंड टेक्निकल सेशन स्टार्ट हुए तो हमने उसमें वेराइटी ऑफ थिंग्स सीखी, जैसे कि हमने टाई एंड डाई सीखा, आज हम जो है आज हमें प्रोसेसिंग के रिलेटेड कर रहे हैं, फूड प्रिजर्वेशन, जिसमें हम किसी भी फूड को प्रिजर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट और शुगर, और हम इवन सीजन्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्पाइसेस हमारे हैं, जैसे हमारी चिली है, टर्मरिक है, ऑयल है, उनके थ्रू भी हम प्रिजर्वेशन करते हैं। Huge variety of hands-on training activities we are providing to them so that they become self-reliant, they become self-sufficient. अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन इज़ नॉट ओनली बीइंग स्किल्ड, एजुकेशन एक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, लेकिन आज के ज़माने व्हेन अ वुमन नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट, ओके, इन केस ऑफ मनी, इन केस ऑफ एवरी अदर एस्पेक्ट, तो स्किल डेवलपमेंट प्लेज़ अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन दैट। मेन वाइटल रोल ये है कि उसकी अपनी स्किल, अगर जो भी उसका पर्सनल इंटरेस्ट हो, वेदर दैट इज़ इन पेंटिंग, जैसे अभी गर्ल्स बोल रही थी, ग्लास मेकिंग है, बहुत सारे आर्ट्स हैं, और फूड प्रोसेसिंग, वट इज़ आवर ऑफ आर पर्टिकुलर डोमेन, फूड प्रोसेसिंग की बात अगर हम करें, तो उस पर्टिकुलर डोमेन में बहुत बहुत ज़्यादा इनके जो इस बोलते हैं एस्पेक्ट्स हैं, जहाँ ये अपने आप को सीख सकते हैं, जब फूड प्रोसेसिंग सीख सकते हैं और अपने छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं।